नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम और मैं हूं नफीसा खान और स्वागत करते हैं आपका हमारे खास शो अतीत के पन्नों से में। दोस्तों, नवरात्रों के 9 दिन बहुत ही पवित्र और साधना के लिए उपयुक्त माने जाते हैं और पहले नवरात्रे में माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ शैलपुत्री के पहले रूप होने के पीछे की आखिर कहानी क्या है और माँ शैलपुत्री को क्यों एक अड़िग देवी कहा जाता है? जी हाँ, तो चलिए जानते हैं माँ शैलपुत्री से जुड़ी हुई कई ऐसी कहानियां जो आप नहीं जानते होंगे। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, हिमालय पर्वतों के राजा हैं। वो अडिग हैं, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन हो गईं, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसीलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रहीं। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने सती को जाने की अनुमति दे दी। माँ सती और भगवान शिव को इस यज्ञ के लिए आमंत्रण नहीं मिला था, लेकिन माँ सती इस यज्ञ में जाना चाहती थी और वो जिद कर रही थी। भगवान शिव उनकी जिद के आगे झुक गए और उन्हें जाने के लिए आज्ञा दे दी। जी हाँ, और भगवान शिव कहीं ना कहीं ये जानते थे कि अगर माँ सती वहाँ पर गईं तो वहाँ पर क्या हो सकता है, और वहाँ पर जाने के बाद वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेर रहे हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया है। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही हैं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही हैं। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की थी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा करके अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वे बेहद दुखी हुए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री के जन्म लेने के पीछे की जो कहानी है वो भी काफी रोचक है, जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि इसी कहानी से आपको ये पता चलेगा कि माँ शैलपुत्री को पहला रूप क्यों माना गया है और उनकी पूजा का महत्व इतना ज्यादा क्यों है। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। पार्वती और हेमवती ये भी इसी माँ के दो अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ। भगवान शंकर की ये अर्धांगिनी है। इनकी शक्ति अनंत है। तो ये थी माँ शैलपुत्री से जुड़ी रोचक कहानी। कल के अध्याय में हम देवी के दूसरे रूप से जुड़ी कुछ रोचक कहानियाँ आपसे साझा करेंगे। आपको हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।
और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ ही धन्यवाद।